हाय फ्रेंड्स, यूवी ज्ञान के भंडार में आपका स्वागत है। मैं एडवोकेट उपासना श्रीवास्तव आज आपके लिए इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूँ, जो आए दिन लोगों के पास आते रहते हैं मैसेज के रूप में। तो उस टॉपिक का नाम ये है कि क्या आपके पास भी इस तरीके का कोई मैसेज आया है कि आपका ई चालान कट गया है और आप कहीं गए थे और जैसे ही आप घर पहुंचते हैं तो आपके पास एक मैसेज आता है इस तरीके का। तो आपको लगता है, अरे मैं तो सही जगह गाड़ी खड़ा किया था या मैंने सही जगह पार्किंग की थी, तो ये मैसेज मेरे पास कैसे आ गया। या आप, हो सकता है आपने पार्किंग में भी गाड़ी नहीं खड़ी की हो और आपके पास 2 या 3 या 4 महीने के बाद एक मैसेज आता है कि आपका चालान नंबर ये है, ये व्हीकल नंबर है और आपका जो ये चालान जो आया था इसे आपके जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहाँ पर भेज दिया गया। आपको भी एक घबराहट होती है क्योंकि आपको पता नहीं चलता है कि आपका चालान भी कट गया और आपके पास एक मैसेज भी आ गया जिसका पेमेंट करना था। आपको कोई भी मैसेज टाइमली नहीं आया जिस वजह से आपने पेमेंट नहीं किया और उसके बाद वो सम्मन आपके पास कोर्ट से आ जाता है कि आपके गाड़ी का चालान कट चुका है, तो आप फला फला डेट में आकर इतने चालान का जो अमाउंट है वो जमा कर दीजिए। तो आप घबरा जाते हैं और आपको टेंशन हो जाती है, चालान कैसे कट गया, मैंने कहाँ पर गाड़ी पार्क की थी या कौन सी रोड ऐसी क्रॉस कर दी कि जिसकी वजह से जैसे मेरा चालान कट गया है। चाहे वो 2-व्हीलर हो, 4-व्हीलर हो, किसी भी गाड़ी का चालान कट जाता है और बाद में आपके पास मैसेज के रूप में आता है बट वो आप पता नहीं चल पाता है। तो आज मैं इसी टॉपिक से रिलेटेड बात कर रही हूँ और आपको बताऊंगी कि आप अपने व्हीकल नंबर से या अपने DL नंबर से चेक कर सकते हैं कि आपकी गाड़ी का चालान कटा है या नहीं कटा है, अगर कटा भी है तो कितने अमाउंट का कटा है। तो ये सारी चीज़ें आप अपने मोबाइल पर ही जाकर देख सकते हैं और अपने स्टेटस का पता लगा सकते हैं कि अगर आपका चालान कटा है तो कितने अमाउंट का है और कहीं ऐसा तो नहीं आपके पास सम्मन आने वाला है, या अगर सम्मन आ गया है तो फिर क्या करना चाहिए। तो उसके लिए मुझे आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पे लेके जाना पड़ेगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि मैं तरीके की वीडियोस आपके लिए लाती रहती हूँ। तो अब चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर। तो गाइस, सबसे पहले अपने डेस्कटॉप पर आ जाइएगा और उसमें गूगल में ई चालान करके टाइप करके सर्च करिएगा। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहला वाला जो ऑप्शन है ecalan.parivahan.gov.in और मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ई चालान पर क्लिक कीजिएगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा, गवर्नमेंट की साइट है ये, ओपन हो जाएगा, डिजिटल ट्रैफिक ट्रांसपोर्ट इन्फोर्समेंट सोल्यूशन की साइट है ये। और यहाँ पर इस तरीके के नोटिस बोर्ड भी होता है और यहाँ चालान की डिटेल्स होती है और यहाँ पे देखिए चालान नंबर, व्हीकल नंबर और DL नंबर के थ्रू आप सर्च कर सकती हैं। यहाँ लिखा है आफ्टर गोइंग चालान डिटेल्स यू कैन फर्दर गो फॉर ऑनलाइन पेमेंट। और व्हीकल नंबर और चेसिस नंबर अगर आपके पास है तो आप इससे सर्च कर सकते हैं और अगर आपके पास DL है तो आप उससे भी सर्च कर सकते हैं कहीं आपका कोई चालान तो नहीं कटा है। अब मैं यहाँ पर DL नंबर डालती हूँ और उसके बाद DL नंबर टाइप करने के बाद जब मैं कैप्चा टाइप करूँगी तो गेट डिटेल्स में देखिए यहाँ लिखा है चालान नो फाउंड, यानी कि इससे आपके DL नंबर जो मैंने डाला इस पर कोई भी चालान नहीं कटा। फिर आप व्हीकल नंबर पर जाकर अपने गाड़ी का नंबर डालकर और चेसिस नंबर के लास्ट की 5 डिजिट डाल सकते हैं या इंजन नंबर की लास्ट की 5 कैरेक्टर को डालकर, मैंने चेसिस नंबर चूज़ किया है जो आपके RC पर लिखा होता है। अगर आपको नहीं मिले तो आप अपनी RC चेक करिएगा तो उस पर लिखा होता है चेसिस नंबर, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं और कैप्चा डाल के गेट डिटेल करेंगे तो चालान नॉट फाउंड, यानी कि इस जिस व्हीकल नंबर को मैंने चूज़ किया है उस पर भी किसी तरीके का चालान नहीं कटा है। अब बात आती है चालान नंबर, जो मैं बात कर रही थी आपके पास एक मैसेज आता है तो उस मैसेज के थ्रू इस तरीके का मैसेज आएगा जिसमें लिखा होगा योर चालान नंबर। ये कम से कम 19 या 20 डिजिट का नंबर होता है, वो आप यहाँ पर अपने चालान नंबर को सेलेक्ट करके यहाँ पर टाइप कीजिएगा और कैप्चा टाइप कीजिएगा तो आपको ये देखिए कम से कम 19 या 20 डिजिट का ये नंबर है। आप इसको टाइप करके फिर आप
कैप्चा को टाइप कर लीजिएगा, और कैप्चा को टाइप करते ही जैसे आप गेट डिटेल करेंगे तो ये जो चलान है, मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेरा ही चलान कटा हुआ था। देखिए लिखा हुआ है मेरा नाम और मेरा ड्राइविंग लाइसेंस नंबर और चलान नंबर, जो कि 23 मई को कटा हुआ था और जो डिस्पोज हो चुका है और मैंने ऑनलाइन पेमेंट कर दिया है। और आप चलान प्रिंट पर जाकर देख सकते हैं किस तरीके का चलान है, और यहाँ से आपकी रिसिट भी निकल आती है। और यहाँ पर जो मैंने पेमेंट किया था वो यहाँ पे ऑनलाइन में आप भी जाकर पेमेंट कर सकते हैं। तो अभी रिसिट, अभी मैं चलान प्रिंट करके आपको दिखाती हूँ। इस तरीके का चलान आता है और उसमें सारी डिटेल लिखी होती है कि आपका चलान कहाँ पर कटा था, किस टाइम पर कटा था और किस वजह से काटा उन्होंने चलान और कितने अमाउंट का काटा, ये सारी डिटेल यहाँ पर वो मेंशन कर देते हैं ई चलान में। तो यहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं कि गलत पार्किंग में मेरी गाड़ी खड़ी थी, इस वजह से चलान कटा था, और जो मैंने पेमेंट किया था उसकी रिसिट इस तरीके से निकलेगी गवर्नमेंट साइट से। तो आप इसका प्रिंट भी निकाल कर रख सकते हैं फ्यूचर के लिए। तो यहाँ पर देखिए आपकी सारी डिटेल, भुगतान का दिनांक, ई चलान संख्या, ई चलान दिनांक, और ऊपर जो लिखा है आपको पूरा देखिए सब लिखा हुआ है, किसने चलान काटा है, और यहाँ पे देखिए रसीद नंबर और डेट भी लिखिए किस डेट में चलान जमा हुआ है। तो ये चलान आप अपने पास सेफली रख सकते हैं, और नीचे लिखा है कि आप अगर इस चलान पर किसी सिग्नेचर की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से आपको ई चलान जो नंबर होता है, आपको ई चलान का जो मैसेज आता है वो चलान नंबर पर क्लिक करके, वहाँ पर लिख करके और कैप्चा दबा करके और पे ऑनलाइन में जाकर ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस ऐसे होते हैं कि अगर इन फ्यूचर अगर आपको चेक करना है कहीं ऐसा तो नहीं मेरा चलान कट गया है, तो आपके पास डीएल नंबर का भी होता है, व्हीकल नंबर भी होता है, चेसिस नंबर भी होता है, आप इस साइट पर जाकर echalanparivahan.gov.in पर जाकर अपने व्हीकल नंबर और डीएल नंबर से देख सकते हैं। थैंक यू।